आपको ज्वेलरी मेकिंग नहीं आती, कोई इश्यू नहीं है, फिर भी आप ये फ्लावर ज्वेलरी डेफिनेटली घर पे बना सकते हो, भले ही आपको फ्लावर ज्वेलरी बनानी नहीं आती या तो ज्वेलरी मेकिंग नहीं आता, क्योंकि आज हम लोग सिंपल एक लेस का यूज करके फ्लावर ज्वेलरी बनाने वाले हैं और ये एकदम सिंपल है। और आपको इस टाइप के और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे वीडियोस ऐसे आपको देखने हैं जो आपको ज्वेलरी मेकिंग नहीं आती फिर भी आप घर बैठे बैठे बना सकते हो, तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए DIY ज्वेलरी, तो मैं और इस टाइप के वीडियोस लाती रहूंगी जो आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। और ये जो मैं सिखा रही हूँ आज के वीडियो में, ये एकदम कम प्राइस में बन जाता है और अच्छी प्राइस में सेल भी होता है, आप खुद के लिए भी बना सकते हो, किसी को गिफ्ट देने के लिए भी बना सकते हो घर पे रह के ही, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ विश्वा मोदी, मैं ज्वेलरी बिजनेस कोच हूँ और मेरा मिशन ये है कि मैं 10 लाख लेडीज को ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस सिखा के उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। और मैं हर वीकली लाइव मास्टर क्लास रखती हूँ और वो टोटली फ्री है, वहां पर मैं सिखाती हूँ कि आप घर पे रह के सिर्फ 7 दिनों में अपना खुद का सक्सेसफुली ज्वेलरी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो वो मास्टर क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रही हूँ, उसको क्लिक करिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए फॉर फ्री मास्टर क्लास, और आप वहां पे मुझे मिल सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हो और बहुत कुछ नया सीख सकते हो, तो मिलते हैं वहां पे। सो बहुत बातें नहीं करते हैं और इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये लेस लेंगे, जो मेरे पास लेस अवेलेबल है इसका मैंने ऑलरेडी इयरिंग का वीडियो बनाया हुआ है फैब्रिक का, तो यहाँ पे आज मैं जो हमारा चौकर बन रहा है उसके मेजरमेंट का मैंने ये लेस कट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं पोलन का यूज कर रही हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये पोलन जो होते हैं ये इस तरह के पूरे बंच में आते हैं, ठीक है, तो इसको हमें कट करना होता है, तो ये इस तरह के पूरा पूरा बंच होता है, उसको कट कैसे करना है, इसको इस तरह से अलग करके फिर सिंपली इसको कट कर देना है लाइक दिस, तो ये अलग हो जाएंगे। तो वैसे ही हमें बहुत सारे पोलन कट करके रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेस मैं जितनी साइज की ले रही हूँ सिमिलरली सेम साइज की ही मैं कैनवास भी मैंने कट किया है, जैसे कि यहां से आप देख सकते हो सेम साइज का कैनवास मैंने कट किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा थिकनेस में आप देखोगे तो कैनवास मैंने थोड़ा ज्यादा रखा है, क्योंकि यहां पे हम लोग दोनों साइड पे पोलन लगाने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग डोरी अटैच करते हैं, तो इसके लिए हम कड़ी को ओपन करेंगे, आप चाहो तो लास्ट में भी लगा सकते हो, बट मैं अभी लगा रही हूं क्योंकि जब हम सब कुछ स्टिक करेंगे तब सब कुछ साथ में स्टिक भी हो जाए तो अच्छा भी रहेगा। तो यहां पे मैं ये वाली दोरी का यूज कर रही हूं, अगर आपके पास कॉटन दोरी है तो कॉटन दोरी का भी आप यूज कर सकते हो इस तरह से। सिमिलरली सेकेंड साइड भी हम लोग कड़ी से अटैच करेंगे, तो ये हमारा जो चौकर है उसका बेस रेडी हो चुका है, मतलब ये कैनवास हो गया और यहाँ पे दूरी भी हमने अटैच कर दी, इसे छेड़िया बोला जाता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग ग्लूगन का यूज करेंगे, तो ग्लूगन मैं यहाँ पे 40 वॉट की ग्लूगन मैं यूज कर रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 वॉट, और ये 40 वॉट की ग्लूगन जो होती है वो बहुत स्टडी और स्ट्रांग भी रहती है, सो मैं ये यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे की ओर ये लगाऊंगी, बट उससे पहले हमारा जो बैकग्राउंड है मतलब जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे हम कुछ रख देंगे ताकि ये नीचे की ओर स्टिक ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोलन लगाना स्टार्ट करेंगे, तो सिंपली आपको ग्लूगन से एक लाइन बना देनी है ग्लू स्टिक की,
इस तरह से, और इसके ऊपर पोलन को इस तरह से अटैच करते जाना है। और जब भी आप लगाओ तब इसको थोड़ा थोड़ा नजदीक नजदीक ऐसा करते जाना है, ताकि वो बहुत ही दूर दूर ना रहे और अच्छा भी लुक आए, ठीक है। और जो हम ये चौकर बना रहे हैं, ये थोड़ा मल्टी कलर बनने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा प्रीटी लुक दे रहा है ये। और मेरी जो लेस है, मैं लेस यूज कर रही हूँ, उसमें भी कलर में पिंक, ग्रीन और ऑरेंज जैसा कलर है। सो मेरे पास जितने पोलन अवेलेबल है उसका मैं यूज कर रही हूँ। ये ऑलरेडी निकल चुका है, ओके। सो यहाँ पे मेरी जो ग्लू है, मैंने लगाने में थोड़ा टाइम लिया इसलिए यहाँ से थोड़ा निकल गया। तो आप जब भी बनाओ तब फैन और एसी ऑफ रखिए, क्योंकि ये जल्दी से सूख जाता है। तो ऐसे ही मैं तुरंत क्विकली क्विकली सब कुछ अटैच कर रही हूँ, ठीक है। तो ये लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए भी मैं सिमिलरली यहाँ पे जो भी हमारा पोलन है उसके ऊपर भी ग्लू डाल रही हूँ, और यहाँ पे एक लाइन बना देंगे इस तरह से, ठीक है, ताकि हमारी जो लेस है वो एकदम प्रॉपरली स्टडी स्टिक हो जाए, ठीक है। और इसको इस तरह से प्रेस करते जाना है। और आराम आराम से प्रेस करना है, ताकि आपके हाथ में ये चुभ ना जाए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, प्रॉपरली वे से आपको फिक्स कर देना है, दबाना है। और ये मेरी जो लेस है वो थोड़ी थिकनेस वाली है, सो मैं अपने हाथ का यूज कर रही हूँ इसको प्रेस करने के लिए। अगर आपकी लेस पतली है तो आप डायरेक्टली छूएगा मत, क्योंकि ये जो ग्लू गन का स्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, हॉट ग्लू होता है, सो दैट्स वाई। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी लेस जो है वो स्टिक हो चुकी है। तो ये जब सूख जाता है, ये सूखने में बहुत टाइम नहीं लगता, 5 मिनट जितना, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट ही लगते हैं। सो ये 2 मिनट में सूख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की और थोड़ा कैनवास है, आप देख। सो हमारा जो चौकर है वो आप देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है। अभी ये जो कैनवास ऊपर की ओर है वो हम लोग निकाल देंगे, ये थोड़ा थोड़ा सूख गया है, सो मैं अभी उसको रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हम हाथ में लेंगे और सिंपली इसको हम लोग सीजर जो होती है उसकी हेल्प से कट कर देंगे। हमारा जो कैनवास है वो यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वाइट पोर्शन दिखेगा तो वो बहुत गंदा दिखेगा। और या मुझे लोग पूछ रहे थे कि वैक्स स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं, तो या आप डेफिनेटली वैक्स स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं इयर रिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि आप चौकर में वैक्स स्ट्रिप लगाओगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि उसमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। उसका जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिक बेस्ड होता है। सो आप चौकर बनाते हो, नेकलेस बनाते हो, तब वैक्स स्ट्रिप का यूज ना करें। या अगर आप इयर रिंग बना रहे हो तो वो चलता है, ठीक है, क्योंकि इयर रिंग हैंग होती है और ये हमारी डायरेक्ट स्किन पर अटैच होता है। तो इसीलिए आप कैनवास का यूज करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कैनवास जो होता है उसका बेस फैब्रिक बेस होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। और यहाँ पे मैंने इस तरह की लेस यूज की है, ये लेस ना गुजराती में इसे कच्छी वर्क भी बोला जाता है, मिरर वर्क का बहुत यूज होता है गुजराती में, सो गुजराती कल्चर में, सो दैट्स वाई मैंने ये वाली लेस का यूज किया है। और ये सच में सामने से बहुत ही प्यारा दिख रहा है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।